Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों, टीवी हो या बड़ा पर्दा, बिना बाल कलाकार के सीरियल भी अधूरे होते हैं और फिल्में भी अधूरी होती हैं। बॉलीवुड में बच्चों पर बहुत सी फिल्में बनी हैं, तो टीवी का एक हिस्सा तो पूरा बच्चों के ही नाम होता था। 90 के दशक में बहुत से बाल कलाकार थे जो हमारे फेवरेट हुआ करते थे और हमें बिल्कुल अपने जैसे लगते थे और अपनी क्यूटनेस से हमारा दिल जीत लेते थे। अब वही बच्चे बड़े होकर बेहद ही हॉट और ग्लैमरस हो गए हैं, वो भी इतने स्मार्ट और खूबसूरत कि आपकी नजरें यकीन ही ना करें। इस वीडियो में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे ही बाल कलाकार के बारे में जो अब बड़े हो चुके हैं। 16 साल पहले टीवी पर एक शो आया करता था, शाका लाका बूम बूम, जिसमें संजू के पास एक मैजिक पेंसिल होती थी। इससे वो जो चाहता था बनाता था। तब हम सबका भी मन करता था कि संजू वाली पेंसिल हमें मिल जाए। इसमें संजू का रोल निभाने वाले बच्चे का नाम है किंशुक वैद्य, जो अब 26 साल के हो चुके हैं। बचपन में वो जितने क्यूट थे, बड़े होकर कहीं ज्यादा स्मार्ट और हैंडसम हो चुके हैं। सोनपरी सीरियल में क्यूट सी दो चोटी वाली फ्रूटी के रूप में हर घर में पहचान बनाने वाली तन्वी हेगड़े अब बड़ी होकर काफी हॉट और खूबसूरत हो चुकी है। उनका शो सोनपरी बहुत पसंद किया जाता था। टीवी के जाने माने अभिनेता रजत टोकस ने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी। रजत को पृथ्वीराज चौहान के बचपन का किरदार निभाने का मौका मिला था। उन्होंने अपने इस शानदार रोल के लिए जमकर तारीफें भी बटोरी थी। हालांकि समय के साथ उनकी आयु काफी बढ़ गई है और अब वो पहले से कहीं ज्यादा हैंडसम और स्मार्ट दिखने लगे हैं। उन्होंने जोधा अकबर में अकबर का रोल निभाकर एक बार फिर वाहवाही लूटी है। नागिन 3 में भी उनके काम को पसंद किया जा रहा है। अभिनेत्री अरिशफा खान ये हैं मोहब्बतें और बालवीर जैसे टीवी सीरियल में बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस के तौर पर काम कर चुकी हैं। उनकी उम्र अब 16 साल की हो गई है और आजकल वो पापा बाय चांस सीरियल में नजर आ रही हैं। वीरा में गुंजन की भूमिका निभाने के लिए उनकी काफी तारीफ की गई थी। आनंदी का रोल निभाने वाली अविका गौर को कौन नहीं पहचानता। बालिका वधू में अपने इस रोल के चलते उन्होंने घर घर में पहचान बनाई थी। अविका गौर दर्शकों के सामने देखते देखते काफी बड़ी हो गई और ससुराल सिमर का में उन्होंने काफी अहम और मैच्योर रोल निभाया था।